नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर सहारा न्यूज। रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। में भारत विकास परिषद की ओर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 14 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अगिन के साथ फेरे लेकर जन जन तक साथ रहने का वचन लिया। शादी में वैवाहिक जोड़े को घर का सामान सहित रसोई का सामान, सिलाई मशीन इत्यादि भेंट स्वरूप दिया गया। भारत विकास परिषद के पदाधिकारी हरीश अग्रवाल ने कहा कि गरीब परिवार की लड़कियों की शादी पैसों के कारण धूमधाम से नहीं हो पाती है, ऐसे ही कन्याओं की शादी का बीड़ा भारत विकास परिषद उठाता है और उनके सुखी भविष्य जीवन की मंगल कामना के साथ उनके शादियां करवाता है। परिषद द्वारा की गई हर साल सामूहिक विवाह इस बार भी बड़े धूमधाम से आरएस गार्डन में हो रहा है और 14 कन्याओं का विवाह हम लोग यहाँ करा रहे हैं और पिछले एक महीने से हम इनकी तैयारियों में लगे हुए हैं। सभी को एक जैसे जो आइटम्स हैं वो सबको एक जैसे हम यहाँ दे रहे हैं। आपने देखा भी होगा यहाँ सब विस्तार से सब लगे हुए हैं और हमारे पूरे सदस्य, हम भारत विकास परिषद मुख्य शाखा, भारत विकास परिषद और भारत विकास परिषद ट्रस्टी शाखा, तीनों ही शाखा यहाँ बड़े धूमधाम से ऐसा जैसे उनके घर में उत्सव हो हम इस प्रोग्राम को करते हैं। पूरे समाज का, पूरे भारत विकास परिषद प्रांत का हमें सहयोग मिलता है और सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ये प्रोग्राम हर वर्ष ऐसे ही होता है। हमारी कोशिश रहेगी।